हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, और रिस्क एनालिसिस भी करें क्योंकि प्रॉफिट और लॉस बहुत ज़्यादा है इस मार्केट में, और अच्छे से समझना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करिए। चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में यहाँ पर सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है कनाडा से। तो कनाडा के जो लॉ मेकर हैं वो एक नया बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें कि वो इनकरेज करेंगे कि क्रिप्टो सेक्टर जो है वो ग्रो करे, और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे जितने भी क्रिप्टो के, अगर हम बोले इन्फ्लुएंसर्स हैं या रिलेटेड टू क्रिप्टो मार्केट कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो उन सभी से ही यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आप बताएं कि क्या चीज़ सही रहेगी क्रिप्टो की ग्रोथ के लिए और क्या चीज़ गलत होगी क्रिप्टो की ग्रोथ के लिए। तो वो चाहते हैं कि जब ये क्रिप्टो वाली जो मार्केट है पूरी एक्सपैंड हो पूरे वर्ल्ड में, तब कैनेडा उसमें पीछे ना रह जाए और कैनेडा एक अच्छी पोजीशन पर हो। तो इसकी वजह से वो चाहते हैं कि भाई बिलियन ऑफ डॉलर जो क्रिप्टो में आने हैं इन्वेस्टमेंट में, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट में आए, और वो मोस्टली आए कैनेडा में ही। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिल जो पहली काइंड का होगा, सो दैट मेक श्योर कि ये रियलिटी बने आगे चलकर फ्यूचर की। तो ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पर कनाडा से। तो मेरे ख्याल से ये अगर बाकी कंट्रीज भी समझ जाएं कि क्रिप्टो कितनी ज़रूरी है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, तो वो इसको बैन या इसको टैक्स नहीं करेंगे। अगली न्यूज़ की बात करें तो नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया है कि वो एक नई सीरीज बनाने जा रहा है, डॉक्यूमेंटेड सीरीज बनाने जा रहा है बिट फाइनेंस के ऊपर जो हैक हुआ था, और जिसमें करीब 1,20,000, 1,20,000 तो नहीं, 1,19,000 कुछ जो बिटकॉइन थे वो हैक किए गए थे एक न्यूयॉर्क के कपल द्वारा। तो रिसेंटली ही उस कपल को यहाँ पर पकड़ा गया और सारी की सारी अमाउंट जो है वो वापस मिल गई है। तो उसके ऊपर नेटफ्लिक्स अपनी एक डॉक्यूमेंट सीरीज बनाएगा। अगली न्यूज हंगरी की तरफ से। तो हंगरी के जो सेंट्रल बैंक के चीफ हैं वो चाहते हैं कि ईयू, दैट मींस यूरोपियन यूनियन जो है, वो पूरी क्रिप्टो की माइनिंग और ट्रेडिंग के ऊपर बैन लगा दे यूरोप के अंदर ही। तो ये एक नेगेटिव न्यूज है यहाँ पर कि अगर किसी कंट्री का हेड जो है, जो एक तरीके से जो सेंट्रल बैंक का चीफ या हेड अगर हम बात करें, जैसे आरबीआई का हेड अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से, तो वो अगर कह रहा है कि भाई पूरे यूरोपियन यूनियन में ही आप ट्रेडिंग और माइनिंग पर बैन लगा दो क्रिप्टो की, तो ये एक बड़ी बात है। और यहाँ पर एनवायरमेंटल जो रीजन है वो, और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी जो रीजन है वो दिया जा रहा है इस चीज के ऊपर। अगली न्यूज यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर एनएफटी की ग्रोथ को बढ़ाना है, मेटावर्स की ग्रोथ को बढ़ाना है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस टू अर्न मॉडल जो है वो लेकर आना चाहिए। अब एक्सपीरियंस टू अर्न मॉडल क्या है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी बंदा डेली कोई ना कोई एक्टिविटी करे मेटावर्स के अंदर आके, तो उसको इनाम में कुछ ना कुछ दे दिया जाना चाहिए, उसको रिवॉर्ड्स में कुछ ना कुछ या तो एनएफटीज दे देनी चाहिए, या जो भी मेटावर्स में वो जा रहा है उसका नेटिव टोकन जो भी होगा वो उसको मिल जाना चाहिए। तो अगर ये फ्रेमवर्क आ जाता है फ्यूचर में, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनएफटी और मेटावर्स की डिमांड जो है वो हो जाएगी, ऐसा इस आर्टिकल के द्वारा एनालिसिस किया गया है। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये काफी, अगर ऐसा होता है तो ये तो ऐसे हो जाएगा कि भाई आप लोगों को फिजिकल वर्ल्ड से निकाल कर मेटावर्स की ही दुनिया में यहाँ पर भेजने की बात कर रहे हो। अगली न्यूज की बात करें तो इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर बोला कि हम कंसल्टेशन का वेट कर रहे हैं, सभी से कंसल्ट करेंगे और उसके बाद ही देखेंगे कि बैन करना है या रेगुलेट करना है क्रिप्टो को। तो अभी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही डिसीजन नहीं लिए गए हैं, रेगुलेशन और नॉन रेगुलेशन कुछ भी नहीं है सिवाय टैक्स के। टैक्स लगाया है तो कुछ तो डिसीजन बनना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं बना हुआ है कि बैन हो रही है या रेगुलेट हो रही है। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर तो फिडेलिटी के जो रिसर्चर हैं उनके अकॉर्डिंगली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं एट प्रेजेंट बिटकॉइन की मार्केट के अंदर, वो सारे के सारे ही बिटकॉइन के जो ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उसको उनको लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली बिटकॉइन में बहुत सारा पोटेंशियल है ऊपर जाने का, और वो आने वाले टाइम पर ऐसे ही ऊपर जाएगा। और जब सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी हैरान रह जाएंगे कि भाई ये ऊपर जा क्यों रहा है और ये हो क्या रहा है। अगली न्यूज की बात करें तो बैंक ऑफ जमीबिया
कंप्लीट करने जा रहा है अपना सीबीडीसी की स्टडी, और उसी के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो सीबीडीसी को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे इस साल के लास्ट क्वार्टर तक। अगली न्यूज की बात करें तो कीनिया ने भी सीबीडीसी के ऊपर अपने जो बेनिफिट्स और रिस्क हैं उन दोनों को लिस्ट डाउन करके अपना एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, और अब पब्लिक से ओपिनियन मांग रहे हैं कि भाई आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, सीबीडीसी को लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए। और अगली न्यूज की बात करें तो बेंडाई नेमको करके एक जापानीज गेमिंग फर्म है, तो उन्होंने 130 मिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए हैं सो दैट कि वो बिल्ड कर सके अपना मेटावर्स। तो अगर ऐसा होता है दैट मींस कि वो मेटावर्स के अंदर अपनी पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट है उसको एक पूरी टीम अलग से सेटअप करना चाहते हैं, और 130 मिलियन डॉलर वो इस काम के लिए लगा रहे हैं, तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर। इसी के साथ ही रिलेटेड एक और न्यूज अगर हम बात करें तो जो पबजी बनाने वाली की जो कंपनी थी, जो पेरेंट कंपनी थी क्राफ्टन, तो वो भी इस चीज के ऊपर लग गई है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दो यहाँ पर मर्ज की है कंपनीज, दो कंपनीज को खरीद लिया है, एक तो सियोल बेस्ड है ब्लू और दूसरी है एक्स बाय ब्लू, इन दोनों को ही उन्होंने खरीद लिया है, और तीसरा वो पार्टनरशिप कर रहे हैं यहाँ पर जाकर नेवर जी के साथ। तो अब इन तीनों चीजों के साथ मिलकर वो एनएफटी और मेटावर्स की दुनिया में अपनी डेवलपमेंट जो है उसमें पैर पसारने वाले हैं। दैट मींस कि हर जगह यहाँ पर मेटावर्स और एनएफटीज जो हैं इन दोनों की ही हाइप अभी कॉन्टिन्यूस चल रही है। कोई ना कोई न्यूज अपडेट कुछ ना कुछ जरूर आ जाता है एक या दो दिन के अंतराल के बाद ही। अगली न्यूज की बात करें तो बिलियनियर जो बिल मिलर हैं उनका कहना है कि बिटकॉइन जो है उसमें वो काफी बड़ी पोजीशन होल्ड रखते हैं, और उसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिटकॉइन है वो अगर फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफ आ जाता है, कुछ भी हो जाता है कि कोई क्राइसिस आ जाता है फाइनेंशियल पूरे इकोसिस्टम में, तो उससे बचने के लिए बिटकॉइन जो होगा वो सबसे बेस्ट वे आउट होगा, तो इसलिए आपको उसमें इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगली न्यूज की बात करें तो उबर जो एक टैक्सी सर्विस वाली है कंपनी, उसके सीईओ ने बोला है कि अगर यहाँ पर हो जाता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिटकॉइन तो वो आने वाले टाइम पर क्रिप्टो पेमेंट्स को अलाउ कर देंगे उबर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी के लिए पॉजिटिव न्यूज इसको मान सकते हैं क्योंकि जल्दी ही क्रिप्टो जो है वो पूरा का पूरा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने वाला है माइनिंग के लिए भी। और अगली यहाँ पर हम यहाँ पर आपसे एक पिटीशन जो है वो शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर change.org के ऊपर पिटीशन चल रही है जिसमें यहाँ पर नो टैक्स, अगर यहाँ ये कहें कि रीजनेबल टैक्स की बात करी जा रही है इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें एट प्रेजेंट इनको 77,781 लोग जो है वो इस पिटीशन को साइन कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी अपना नाम और ईमेल आईडी डालकर यहाँ पर साइन द पिटीशन कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपकी ये जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस पिटीशन को अगर 1.5 लाख मिल जाते हैं तो ये पिटीशन सबसे बड़ी पिटीशन हो जाएगी change.org के ऊपर, तो हाफ ए मार्क पे है इस आंकड़े के। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इसको करते हैं तो मेरे ख्याल से ये पिटीशन भी जो एक तरीके से टॉप साइंड में भी आ जाएगी, और इसके बाद एटलीस्ट जो गवर्नमेंट है उसको देखना सोचना पड़ेगा कि क्या 30% जो टैक्स लगा रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।